शिक्षा समाज का वो हथियार है जिससे संपूर्ण परिदृश्य बदला जा सकता है, पर आज भारतीय शिक्षा कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैकस्टेज पर खड़ी है। किंतु हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय में शिक्षा जगत में भारत का ही बोलबाला था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन काल का शैक्षणिक गढ़ हुआ करता था, उसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। इस विश्वविद्यालय में विश्व भर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ नामांकन लेना बिल्कुल भी आसान न था। इसमें प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, और जो छात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करते थे सिर्फ वे ही यहाँ नामांकन पाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन हेतु 9 मंजिला एक विशालकाय पुस्तकालय भी थी, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थीं। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर विशालकाय दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें जाने के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं और उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर थे। उन मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थीं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता था, लेकिन सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। और इस तरह से भारत को गौरवान्वित करने वाले इस विश्वविद्यालय का अंत हो गया।